हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम हमारे बेस्ट किचन रेसिपी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं रमज़ान स्पेशल इफ्तार के लिए समोसे। समोसे का नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है, लेकिन बनाने का जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, वो भी इफ्तार के लिए। लेकिन आज हम इफ्तार के लिए समोसे बनाएंगे और भी इस तरह से बताएंगे कि इसे बनाना है कितना आसान। चलिए हम रोल समोसे किस तरह से बनाएंगे। एक ही रोटी बेलेंगे और एक ही रोटी में हम ढेर सारे समोसे बनाएंगे। अब हो गई आपकी झंझट ख़त्म, क्योंकि इन समोसे के हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जैसे कि आप हलवा स्टॉल मार्केट के समोसे खाते हैं। रोल समोसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। रोल समोसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल में 2 कप मैदा। मैदा आप 2 कप मैदे को ले लें एक बाउल के अंदर और इसके अंदर डालें आप स्वाद के अनुसार नमक। 1/2 टीस्पून अब हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन को आप हथेली से मसल लें और इसको कर ले सूखे आटे में, सबको कर ले अच्छे से मिक्स। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी को मैंने पिघला कर डाला है। अगर आप पिघला कर नहीं डालते हैं तो आप 1 ही चम्मच डालो। 2 चम्मच मैंने डाल दिया है घी और ये मोयन सही है। अगर आपके पास घी है तो डालें, नहीं तो आप तेल भी डाल सकते हैं। 2 कप आटे के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप पानी और थोड़ा थोड़ा कर आप पानी डालें और इसका डो तैयार करें। इकट्ठा पानी नहीं डालना है। मैं बताऊँगी कि इतना आटे में आपको कितना पानी लगा है और देखिए कि आटे को अच्छे से आप गूंथ लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और ये आटा अच्छे से हो गया मिक्स और गूंथ गया है, इसको अच्छे से हमने गूंथ लिया है और अब हम इसे रख देंगे। 2 कप आटे के लिए 1 कप पानी लिया था, इसमें भी थोड़ा सा पानी बच गया है और अब मैं इस आटे को ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी। चलिए जब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। मैंने 4-5 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल लिया था। आलू ठंडा हो गए थे, उसके बाद मैं अब इसे कर लूँगी अच्छे से मैश। ये देखिए आलू मैश हो चुके हैं, अब इसके अंदर डालेंगे। इसके लिए लिया मैंने 1 प्याज, पुदीना के कुछ पत्ते, 4-5 कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और नींबू। 1 इंच अदरक को मैंने दरदरा कूट लिया था। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई रखी है, उसके ऊपर 1 टेबल स्पून मैंने तेल डाला है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाले, 2 टेबल स्पून धनिया लिया था। खड़ा धनिया को मैंने दरदरा कूट लिया। 1 चम्मच डालिए सौंफ और इसके करेंगे मिक्स। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना जीरे को। इसी में हम डालेंगे 2 पिंच इतनी हींग और अब हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज हमें मीडियम साइज़ का लेना है, बहुत बड़ा प्याज नहीं लेना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे दरदरा कूटा हुआ अदरक। 1 इंच अदरक को मैंने कूट लिया था और 4-5 मैंने कड़ी पत्ता डाले। इसी के साथ मैंने डाली है 4-5 बड़ी कटी हुई बिल्कुल बारीक काटकर हरी मिर्च डाली है। मिर्च आपके स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर डाली है मैंने 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। 1/2 टीस्पून डाला है जीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून डाले इसके अंदर हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से करें मिक्स। 1 मिनट तक भून लें आप और इसके बाद आप स्वाद के अनुसार नमक डालें। और अब हम डालेंगे जो आलू मैश किए थे उसे डाल देंगे और अच्छे से मसाले के साथ हम इसे करेंगे मिक्स, ताकि ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल चटपटा स्पाइसी सा मसाला बनकर तैयार हो। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डाला है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो डालें, नहीं तो आप चाट मसाला डालें। अब डालेंगे हरा धनिया और जो पुदीना के कुछ पत्ते। हरा धनिया और पुदीने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप इन्हें ज़रूर डालें। ये देखिए कि मसाले में अच्छे से हो गया मिक्स। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस। 1/2 नींबू का रस डालें। बहुत ही चटपटा सा स्पाइसी सा मसाला बनकर तैयार होता है। बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल हलवा स्टाइल मसाला बनकर हमारा तैयार हुआ है। और अब हम इसी स्टेज पर कर देंगे गैस को बंद। चलिए अब हम देखते हैं आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम एक बार और हथेली से मसल मसल कर बिल्कुल चिकना कर लेंगे, ताकि आटे की हम अच्छे से रोटी बेल सकें। इसे हथेली से मसल कर बिल्कुल चिकना डो बना ले। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं रखना है। ये देखिए आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। हम इसकी 2 बड़ी साइज़ की रोटी बेलेंगे। 2 लोए मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब मसाला भी ठंडा हो चुका है। ये देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब हम इसको समोसे में भरेंगे। ये देखिए कि मैंने स्टैंड को साफ़ कर लिया था और हम
चकले पर रोटी नहीं बेलेंगे क्योंकि बड़ी रोटी बेलना है, इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लोया रखकर इसकी बड़े साइज़ की रोटी बेल ली है। रोटी हमें अच्छे बड़े साइज़ की बेलना है, नहीं ज़्यादा पतली रखना है, नहीं ज़्यादा मोटी। अब हम पिज्जा कटर से इसके पिज्जे की तरह कट करेंगे, बिल्कुल पिज्जे की तरह हमें कट करना है और बल्कि पिज्जे से भी ज़्यादा कट्स लगानी है। ये देख सकते हैं ना कितने सारे मैं कट्स लगा रही हूँ। एक रोटी से आपके 16 समोसे बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल पास पास से आप कट करें, इसे आप देख सकते हैं ना कितने सारे रोल समोसा बनकर तैयार होंगे एक ही रोटी से। बिल्कुल कम मेहनत के हम समोसे बनाएं। अब हम इसमें रखेंगे स्टफिंग। अब हम सभी पट्टी को ऊपर रखेंगे थोड़ी थोड़ी स्टफिंग, एक चम्मच के लगभग हमें स्टफिंग रखनी है। पहले आप सभी पट्टियों के ऊपर स्टफिंग रख ले और धीरे धीरे से करके आप इसे रोल बना लें। है ना कितना आसान, बिल्कुल मज़ेदार सा समोसा बनाना, बिल्कुल झटपट सी तैयार होने वाली रेसिपी है। टाइम की भी बचत होती है और बनते भी बिल्कुल मज़ेदार से आलू के समोसे, बिल्कुल हलवा स्टाइल समोसे बनते हैं, लेकिन ये बनते हैं रोल समोसा। अब हम क्या करेंगे कि इन समोसे के हमने बना लिए हैं रोल करके बिल्कुल तैयार कर लिए। अब मैंने एक कटोरी ली है, इसके अंदर 2 चम्मच मैदा डाला है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका घोल तैयार करना है, अच्छे से मिक्स करना है ताकि किसी तरह की लम्स वगैरह ना रहे। अब इसके अंदर हम समोसे के किनारे डुबाएंगे। अब देख सकते हैं कि हमारे सारे समोसे हो गए बनकर तैयार और इसे इतने सारे समोसे बने। और अब हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और हम समोसा लेंगे और दोनों किनारों को डुबाएंगे। पूरा समोसा नहीं डुबाना है, दोनों किनारों को डुबाना है, वो भी इसलिए कि ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। इस तरह से आप किनारों को ही डुबाएं। ये देखिए ना एक साथ कितने सारे समोसे फ्राई हो रहे हैं। जिस तरह से एक साथ बहुत सारे समोसे बनाए हमने, उसी तरह से हम फ्राई भी इसे ज़्यादा कर सकते हैं। है ना बनाना कितना आसान और झटपट से तैयार होते हैं। और हमें इन समोसों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इसे हल्का सा गोल्डन होने पर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल समोसे बनकर तैयार है। अब हमने इसे हरी चटनी और इमली के चटनी के साथ सर्व किया है। इन रमज़ानों में इफ्तार के लिए इन्हें बनाएं आप। और ये बनाना है बिल्कुल आसान और झटपट सी, चटपटे से स्पाइसी से मज़ेदार से समोसे बनकर तैयार होते हैं। और आप इन रमज़ानों में आलू के समोसे, रोल पट्टी समोसा बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इफ्तार में इंजॉय करिए। और आपको मेरी रोल पट्टी समोसा की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए आप करिए टाइम की बचत और इन रमजानों में करिए रोल पट्टी समोसा इंजॉय। इफ्तार के लिए आपको मेरी रोल पट्टी समोसा की रेसिपी कैसी लगी, आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहे। फिर मिलती हूँ मैं नए वीडियो के में।